सतना में अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में सेंट्रल जेल सतना से 11 बंदियों की रिहाई की गई। ये सभी हत्या के जुर्म में कई सालों से सजा काट रहे थे। इन सभी 11 कैदियों में से 3 कैदी सतना जिले के, 3 कैदी पन्ना, 4 छतरपुर और 1 कैदी रीवा जिले का रहने वाला है। सभी कैदियों को रिहा करते हुए समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का संदेश भी दिया गया। जेल अधीक्षक ने बताया कि सभी बंदियों का कार्यकाल अच्छा रहा। सजा के दौरान सभी को कारपेंटिंग, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, फ्लावर मेकिंग आदि प्रशिक्षण दिए गए हैं। जेल से निकलने के बाद ये प्रशिक्षण उनके आगे के जीवन यापन को काटने में मदद करेगा और ये सभी समाज की मुख्य धारा से आसानी से जुड़ सकेंगे। यहाँ पर सजा काट रहे थे और अब क्या करेंगे आगे चलकर? अभी मैं गलती से 3 साल हो गया था जिसमें मैं आजीवन कारावास की सजा में बंद था, लेकिन यहाँ भी जेल में भी आपने एक परिवार को छोड़ा तो दूसरा परिवार ऐसा लगा जी गया और बहुत ही अच्छा लगा और अपनी खुशी खुशी बहुत अच्छा लगा। यहाँ आके मैंने DCA किया, DCA से और इग्नो से फर्स्ट ईयर किया, 9 तक पढ़ाई किया था और शॉर्ट हैंड किया और फ्लावर डेकोरेशन का काम करता था मैं यहाँ 13 साल से। बाहर जाने के बाद भी मैं ये सोच रहा हूँ परिवार को पालने के लिए फ्लावर डेकोरेशन के लिए काम करूँगा। कितने बंदे रिहा हुए हैं और किन किन सजा पे यहाँ पर? आज अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में शासन आदेशानुसार यहाँ केंद्रीय जेल सतना से 11 बंदी रिहा हो रहे हैं, जिसमें 3 सतना जिले के हैं, 3 पन्ना जिले के हैं और 4 छतरपुर जिले के हैं और 1 खुली जेल से बंदी था वो रीवा का है। इस प्रकार 11 बंदी यहाँ जेल से रिहा हुए हैं। सर मैम है किन किन सजा के बंदी थे, कैसे सजा आपका देखते हैं, किन सजा पे? ये सारे 302 के ही बंदी। क्या उनको संदेश दिया गया है जेल के द्वारा, क्या समझाई दी गई? इन सभी बंदियों ने जेल में रह के कुछ ना कुछ कार्य तो सीखा है, पढ़ाई की है, पढ़ाई पूरी की है और फ्लावर डेकोरेशन और बुनाई आदि प्रकार के प्रशिक्षण दिए गए थे, इसी उद्देश्य दिए गए थे ताकि ये जेल से रिहा होने के बाद समाज के मुख्य धारा में जुड़ सकें।